हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री वॉल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं ऑफ चैप्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें ये बेसिकली कंपाउंड गिवेन है। ठीक है, हमें अमोनिया के साथ इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। ये आपका CH2Br है, ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर बी आर है डायरेक्टली एडेड विथ कार्बन। तो अगर आप ध्यान से देखें बिफोर प्रोवाइडिंग द आंसर, ठीक है, यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये और इसके अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, कंजुगेशन में हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इस कंजुगेशन को इरेज कर दूँ, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड नहीं, तो पार्शियली डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना सब्स्टिट्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि एलाइलिक पोजिशन पे क्या होती हैं, सॉरी विनाइलिक पोजिशन पे, ठीक है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड CHBr, अगर कुछ इस तरह भी कंडीशन है तो यहाँ भी क्या होता है, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होती है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला ब्रोमीन हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा, बट ये वाला शो करेगा। यस, ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा अमोनिया यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ये जब बी आर है लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, और इसका NH3 जब जाके अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH2NH, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये डोनेट किया, डोनर है, और यहाँ पर ब्रोमीन आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा, ये अपने ये दोनों ही किसी भी हाइड्रोजन का एक पेयर अपनी ओर खींच लेगा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, और H प्लस रिलीज कर देगा सॉल्यूशन, तो माइनस H प्लस हो जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस CH2NH2। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी आर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप मैच करा लें, यहाँ पर तो NH2 तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर तो बी आर गायब भी हो गया, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का मतलब यही था देने का, अगर मीनिंग भी अगर समझा जाए, इसकी मीनिंग ही यही थी कि आप इतना समझ पाएं कि विनाइलिक पोजीशंस में अगर लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में लोन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, और अगर वो नहीं शो कर रहा है, मतलब रेजोनेंस नहीं शो रहा है, कंजुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो वो आपका आराम से ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लाइक दिस, जैसे इस ब्रोमीन ने शो किया बट ये वाला नहीं शो किया। ठीक है, तो आपका ए आंसर आपका सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, till that, thank you so much.